तो नेक्स्ट देखिए बेटा, अब क्या है, इन एस वन का टोटल कर लेंगे, इन तीनों का टोटल। तो ए से जी तक तो आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ये तो एक एक बार आ रहा है। बाकी जो बच गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी ई एफ जी, बाकी जो बच गया बिना टिक मार्क, उसमें डी प्लस जी को एक बॉक्स में रखो क्योंकि उसका आंसर पता है, ई प्लस जी को अलग, जी प्लस एफ को अलग, तो बाकी जो बचा रहेगा डी प्लस जी उसको अलग बॉक्स में रखो क्योंकि उसका आंसर पता है, बाकी क्या बचा रह गया, ई प्लस जी, जी प्लस एफ उसको अलग बॉक्स में रखो, और क्या बचा रह गया, ई, डी प्लस जी को रख दिया एक बॉक्स में, जी प्लस एफ को रख दिया, प्लस ई बचा है, इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये 595 है। E प्लस जी प्लस है, ये टोटल हमारे पास 450 है, ये टोटल हमारे पास 70 है, ये टोटल हमारे पास 50 है, इन तीनों को उधर ले जाओ तो हमारे पास F का आंसर आ रहा है वो 30। पूछना काफी आसान, स्टेप्स नंबर लिख दिए 1 to 5, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमें तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। एफ पता लग गया फ्रॉम एस टू, एस टू फोर्थ स्टेप, ये जो फोर्थ स्टेप है, एफ पता लग गया तो जी का आंसर आ गया, एफ 30 है तो जी कितना आ गया 20, जी 20 रखेंगे तो ई कितना आ गया 25, जीई एफ पता लग गया, जीई एफ डी और पता लगना चाहिए, जी की जगह 20 रखेंगे तो डी पता लग गया 50, तो फ्रॉम सेकंड, इस सेकंड से ए प्लस बी प्लस सी, डी कितना है हमारे पास 50, ई कितना है हमारे पास 25, एफ एफ कितना है हमारे पास 30, जी कितना है हमारे पास 20, ये किसके इक्वल है 450, हमें तो ए बी सी चाहिए था, ए प्लस बी प्लस सी इज 450 माइनस 50 माइनस 25 माइनस 30 माइनस, यही टोटल चाहिए था हमें, ये 325 का। फिफ्थ, ये सर्कल 6 और ये सर्कल 7, आप आराम से चेक कीजिए और हमसे डाउट पूछिए। नंबर 1 to 7 में आपका कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना पड़ेगा बेटा, डाउट नंबर एक दो बार पहले कराया है तो डिस्करेज नहीं होना, मान लो कोई क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया उससे डिस्करेज नहीं होना, एक दो क्वेश्चन से तरीका यही है बेस्ट। एक बच्चे ने दूसरा फार्मूले से भी हमसे पूछा था तो वो भी ठीक था, लेकिन वो तो केवल उस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला, एग्जैक्टली दो पूछता, एग्जैक्टली दो पूछता तो क्या आंसर आता बेटा, जो एग्जैक्टली दो में, ये तो एग्जैक्टली वन पूछा है, एग्जैक्टली दो में कौन से, डी ई एफ, ये केवल एग्जैक्टली दो, दो में कौन से, इसमें डी प्लस डी, एग्जैक्टली दो में कौन सा है, सिर्फ डी ई एफ, डी ई एफ निकालना। अभी आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछे आप 1 to 7 में, 1 to 7 में आपको कोई प्रॉब्लम बेटे और पूछिए जो आपको मुश्किल लग रहा है। आज डाउट क्लास रखी हुई है फिर से, वैसे तो रोज ही ले रहे हैं डाउट, लेकिन आज स्पेशली डाउट क्लास संडे को, कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है बेटा मिसलेनियस का। जैसे ये क्वेश्चन चाहे दो बार करा दिया तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि
ये फिर से क्यों पूछ रहे, नहीं समझ में आया तो उसको चाहे 10 बार पूछे आप, डाउट पूछिए बेटा। नंबर कोई नंबर पूछना है तो नंबर पूछिए आप बेटे, मिसलेनियस में या पावरफुल में या प्रीवियस में, कोई डाउट नंबर ही बोलना है आपको जो मुश्किल लग रहा है आपको, कोई कंफ्यूजन है तो पूछे आप, ठीक है बेटा। फिर हम करवाते हैं अपनी मर्जी से, आपको नहीं पूछना तो इसका मतलब बहुत अच्छा कराया जा रहा है, कोई डाउट नहीं है, हम आपसे करवाते हैं। फिर नेक्स्ट देखें बेटा, फिर कल टेस्ट है बेटा, परसों से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसका इस चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, पहले 6 कराएंगे, 5th, 4th, 3rd, 2nd ऐसे करवाएंगे। बेटा एक 15th क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अलग था प्रीवियस ईयर्स में, वो सबको आ गया ना बेटा, 80% स्टूडेंट पास मैथमेटिक्स में थे, 72 साइंस में थे, कोई करवाना है आपको फिर से तो आप पूछ सकते हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले फिर से देखिए बेटा, वर्ड प्रॉब्लम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। कल आपको 39 तक दिए थे बेटा, मतलब मेन जो ट्राई करने के लिए, और भी हैं क्वेश्चंस तो खैर सॉल्यूशंस भी आपको भेजे गए हैं। तो नेक्स्ट देखें बेटा, आप रिवर्स करवा रहे हैं, चलो 53, 52 ऐसे करवाते हैं। 53 नंबर देखिए, 53 फिर 52 39, ये सब बताते हैं। 53 नंबर, कह रहा है ए सेट दे रखा है तो पावर सेट्स में कितने एलिमेंट होंगे, तो जितने मैक्सिमम हो जाए, जो जो क्वेश्चन होते जाए उसको टिक कर लो, जितने हो जाए एग्जाम में। आपको मेन थिंग है ये सब रिवाइज अगेन आपको करने हैं, खैर बार बार टेस्ट भी लेते रहेंगे लेकिन ये रिवाइज आपको फिर से करने, अच्छे ढंग से अपने नोट्स बना लो। 53 नंबर पावरफुल, 53 नंबर बताते हैं। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाए वो आपको करने हैं। क्वेश्चन 53 कह रहा है ए सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है 1, तो पावर सेट ऑफ 3 इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। बेटा शुरू से स्टार्ट होता है, पी ए में कितने, फिर उसके पी बी ए में कितने, फिर उसके पी बी ए में कितने, इस टाइप से बताते हैं। पावर सेट ऑफ ए का क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो 1 के सबसेट्स कितने होंगे इसके, 5 और 1 से जनरल नॉलेज कितने होंगे, 2 पावर 1, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक तो 5 होता है, एक इटसेल्फ होता है, तो 2 ही सबसेट, और वैसे भी पता था 2 ही सबसेट्स। ये वाला पार्ट तो खत्म, पी ए के आ गया, फिर पी 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 ए, पी ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 2 स्क्वायर एलिमेंट्स सबसेट्स, एलिमेंट्स कह लो, तो इसके 4 सबसेट्स बने, लिखना है लिखो, जनरल नॉलेज वैसे जरूर करेंगे, एक तो 5 होगा इम्प्रॉपर, एक खुद होगा पावर सेट ऑफ, एक खुद होगा,
एक एक एलिमेंट्स वाले कौन से होंगे भाई? एक दो एलिमेंट्स वाले खोजिए भाई, एज ए सबसेट, वन सबसेट एज ए सबसेट, चार एलिमेंट्स, तो पी 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 ए में कितने होंगे? इसमें तो फोर एलिमेंट्स हैं, पावर सेट में कितने होंगे? टू पावर फोर एलिमेंट्स, यानी 16 एलिमेंट्स। आंसर पहला स्टेप, पावर सेट में कितने हैं? पी पी ए में कितने हैं? फोर। पावर सेट ए में कितने? दो, फाइव और वन। पी ए में कितने होंगे? पी पी ए में कितने होंगे? टू स्क्वायर। पी 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 ए में टू पावर फोर। फिर से देखिए, ए में कितने हैं? पी 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 ए, इसमें कितने एलिमेंट है? वन। पी ए में कितने हो जाएंगे? टू पावर वन, टू एलिमेंट। इसमें कितने हो जाएंगे? टू स्क्वायर फोर। इसमें कितने हो जाएंगे? टू पावर। पावर सेट ऑफ ए में कितने हो जाएंगे? टू एलिमेंट्स। टू एलिमेंट्स वाले का पावर सेट में कितने हो जाएंगे? फोर, फिर टू पावर फोर। वन टू थ्री स्टेप्स में कोई डाउट? वन से थ्री स्टेप्स तक कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। 52 नंबर देखें भाई, 52। नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 52 नंबर बताते हैं बेटा आपको। S1 से S30 तक 30 सेट से S1 से लेके S30 तक 30 सेट्स हो, 30 सेट्स विद 5 एलिमेंट्स ईच। हर एक में 5 5 एलिमेंट्स है तो देखने में लगता है 150 एलिमेंट्स होंगे। S1 से S30 तक 30 सेट्स हैं, हर एक में 5 5 एलिमेंट हैं और देखने में लगता है 150 हो गए। तो बेटे हमने आपको बताया, देखो NCERT तो कंप्लीट, बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जितना मैक्सिमम हो जाए आपसे, एक हो जाए, दो हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, टोटल 53 क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको करने, जितने हो जाए, सारे ना हो कोई बात नहीं। एस इनका यूनियन है, I equal to 1 to 30 S I, इसका मतलब क्या है? यूनियन, I को पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, 3 रखो, अप टू 30, S1 से लेके S30। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी, मीनिंग पहले तो 2 सेट्स का यूनियन निकालते थे, 3 का निकालते थे, अब 30 सेट्स का यूनियन निकालते। फिर फर्दर ये कह रहा है इस एस का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ एस। इस एस का हर एक एलिमेंट जब इसका यूनियन करेंगे, इसका हर एक एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग टू 10 एस, इसका 10s, इसका एक एलिमेंट, इसमें 30 सेट्स हैं, किन्हीं 10 सेट में आ रहा है, दो 10 सेट्स के अंदर रिपीट हो रहा है, तो काउंट तो
एक ही बारी करेंगे ना, यूनियन करेंगे तो इसका हर एक एलिमेंट इसके 10 सेट्स में है, 30 में से 10 सेट्स में कहीं ना कहीं, हर एक इसमें एक एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, एन एस वन, एन एस टू, एन एस 30, पर ये नहीं होंगे, हर एक में पांच पांच है तो 150, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट इसके 10 सेट में आ रहा है, तो एक एलिमेंट 10 बार काउंट हो गया, तो डिवाइडेड बाय 10 करना, तो 5 + 5 + 5 30 टाइम्स ओवर 10, तो 150 ओवर 10, तो एन एस में कितने एलिमेंट्स थे, 15। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर से एक्सप्लेन करते हैं बेटा आपको, फिर से एक्सप्लेन करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से भी नोट कर सकते हैं आप। एस वन से एस 30 तक 30 सेट्स हैं, जिसमें हर एक में पांच पांच एलिमेंट है, इनका यूनियन किया गया है, तो एस का यूनियन किया गया था एस वन एस टू एस थ्री अप टू एस 30, 30 सेट्स का यूनियन हो गया, हर एक में पांच पांच एलिमेंट है, तो देखने में लगता है 150 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उसको दो बार थोड़ी लिखेंगे, यूनियन में कम होते हैं, वो क्या कहता है, यूनियन के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है, इसमें जो एलिमेंट आ रहा है, इनका यूनियन है, वो हर एक 10 एस से बिलोंग करता है, इसका एक एलिमेंट 10 बार आ रहा है, तो 10 बार 150 में एक एलिमेंट 10 बार गिना गया, तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 150 by 10, तो एस पे 15 एलिमेंट थे। अभी यहां तक कोई डाउट, फिफ्थ स्टेप तक नंबर पूछिए बेटा आप, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हर एक ग्रुप के अंदर पांच पांच बच्चे हैं, एक बच्चा 10 ग्रुप में आ रहा है, तो टोटल कितने बच्चे, 30 सेक्शंस हैं, 30 ग्रुप बनाए गए हैं बच्चों के, हर एक में पांच पांच बच्चे हैं, तो देखने में लगता है 150 बच्चे हैं, लेकिन हर एक बच्चा 10 ग्रुप से बिलोंग करता है, हर एक बच्चा 10 बार गिना गया, तो 150 को 10 से डिवाइड कर दिया, 15 ही बच्चे थे, कोई डाउट। फिर सेकंड थिंग, सेकंड पार्ट कह रहा है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट डैश वाले सेट्स आगे एन सेट्स है, एस वन डैश एस टू डैश, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का एस वन डैश एस टू डैश एस एन डैश एन सेट्स, इसमें भी इनका यूनियन किया गया है, तो एस इक्वल टू यूनियन आई इक्वल टू वन टू एन एस आई डैश, यानी एस जे लिख रखा है, तो चलो जे जे को वन पुट किया, जे को टू पुट किया, जे को थ्री पुट किया, जे को एन पुट किया, जैसे ये हर एक में 3-3 एलिमेंट्स हैं, इन ईच एस जे डैश हर एक में 3-3 एलिमेंट है, और इसका हर एक एलिमेंट इन 9 एस जे, 3-3 एलिमेंट हर एक में, इसका हर एक एलिमेंट 9 बार हर एक में आ रहा है, तो एन एस कित क्या होगा, एन एस वन डैश एन एस टू डैश एन एस एन डैश 9 बार आ रहा है, तो 9 बार रिपीट हुआ 9 10, 3-3 टाइम्स आ रहा है, 3-3-3 10 टाइम्स आ रहा है, डिवाइडेड बाय 9 एन एस, 3 n by 9 ns कितना आ गया, n by 3, s दोनों का इक्वल है, ये भी s है ये भी s है, therefore क्या लिखेंगे,
एनएस जो है वो 15 के इक्वल भी है और एन बाय 3 के इक्वल भी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ सेट्स कितना है 45। कोई कंफ्यूजन है तो बोल ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डाउट्स पूछिए बेटा, नंबर बोले आप, 11 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हैं, आपको नंबर पूछना पड़ेगा कोई डाउट है तो। सर एक बार सेकंड वाला बताना पार्ट, सेकंड पार्ट बेटा ये बताते, 6 से 11 तक स्टेप्स पूछना चाह रहे हैं आप। एक तो S1 से S30 तक 30 सेट्स हैं, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है S1 डैश S2 डैश S3 डैश Sn डैश तक ये कितने सेट्स हुए, n, इनका यूनियन करें तब भी S के इक्वल ही है। यस, यूनियन कैसे करेंगे, S1 डैश S2 डैश S3 डैश Sn डैश, हर एक के अंदर तीन तीन एलिमेंट हैं, तो देखने में लगता है 3n एलिमेंट्स हो गए, पहले में n, दूसरे में n, तीसरे में n, तो 3n एलिमेंट्स हो गए। लेकिन इसका हर एक एलिमेंट, हर एक सेट इसके नौ नौ सेट्स के अंदर आ रहा है, 9 सेट्स के अंदर, यानी एक 3n अगर हम काउंट करते हैं तो एक एलिमेंट 9 टाइम्स काउंट हो गया है, कि हालांकि है एक लेकिन 9 बार काउंट हो गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट 9 बार आ रहा है। तो यूनियन करेंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3n तो आते हैं अगर कोई रिपीटेशन ना होती, लेकिन अब रिपीटेशन कितनी बार है, 9 टाइम्स, तो 9 से डिवाइड कर दिया तो n बाय 3 आ, तो 15 इक्वल टू n बाय 3, तो n 45 आ गया। ये 11 स्टेप्स है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा बेटा, आराम से चेक कीजिए। तो मेनली तो फोकस बेटा एनसीईआरटी पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, तो उसमें जितने हो सके उतने आपको कर रहे हैं। अभी कोई डाउट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग स्कूल्स में करवा दिया जाता है अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाते हैं तो। कोई कंफ्यूजन है तो आपको नंबर पूछना है बेटा, और देखिए बेटा क्वेश्चन फिर, और आपको सॉल्व करके भी दिए गए हैं, पीडीएफ भेजे गए हैं, सॉल्व करके भी भेजे गए, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे बेटा। अभी तो जैसे ट्रायल क्लास चल रही है, जब आप कंफर्म हो जाएंगे तो आपको हार्ड कॉपीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, हार्ड कॉपीज। 39th देखिए, दो सेट्स हैं बेटा 39, और भी कई क्वेश्चन है लेकिन जो मेन हमें लग रहे हैं वो आपको बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर देखिए, ये भी काफी स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करवाया जाता है, ये भी करवाया जाता है। तो मेन क्वेश्चन आप हाईलाइट कर लो उनके सॉल्यूशंस, लेकिन आप मेन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप अच्छे ढंग से नोट्स नहीं बनाएंगे तो जनरली बच्चा फाइनल में कहता है, बोले जी तैयारी बहुत की थी, मैं रिवाइज नहीं कर पाया। तो इसलिए अच्छे ढंग से नोट्स बना लीजिए अपने, अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश कैसे ही, डिफरेंट कलर के पेन्स यूज करके, कोई ट्रिक का अलग, कोई रीजन का अलग, ऐसे तो आप अच्छे अच्छे नोट्स बना लीजिए। अब देखिए भाई 39 क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट है, 39 वो आपको बताते हैं। दो सेट्स के अंदर m और n एलिमेंट्स हैं, दो सेट्स हैं, एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है। एक में m एलिमेंट्स हैं, एक में n एलिमेंट्स, दो सेट्स हैं, एक में m, एक में n। वो ये कह रहा है फर्दर, एक में m, एक में n,
स्टेटमेंट इज कह रहे नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इन फर्स्ट सेट. जैसे वो कहता जा रहा है वैसे लिखते जा रहे. तो फर्स्ट सेट के अंदर जो सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे, 2n इक्वल टू 56. सेकेंड सेट में 2n. तो कह रहा है m और n की वैल्यू बताओ. स्टेटमेंट में कोई डाउट फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला पता है वो लिख दिया. तो 2m - 2n इज 56. कॉमन क्या आएगा, टू क्यूब 2.5 में से कॉमन क्या आएगा, 2 क्यूब. इसमें से क्या कॉमन आएगा, ग्रेटर में से लेसर माइनस करें 56. कॉमन क्या आएगा, छोटे वाला, छोटा वाला 2n है, 2n मल्टीप्लाई तो अंदर 2n से डिवाइड. कह रहे हैं m और n की वैल्यू बताओ. तो आप कंपेयर करेंगे, यहां तक कोई डाउट, 1-4 में आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप. 1-4 में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो. अब क्या करेंगे बेटा, -n - 1 तो कंपेयर करेंगे, बाहर 2 चाहिए, 2 की कोई पावर, अंदर ये 2 - 1 चाहिए. तो इसको 2 × 28 लिख सकते हैं, लेकिन 28 को 2 की कोई भी पावर -1 नहीं लिख सकते. 2 power 4, 2 power 5, 2 power 4 - 1 तो 28 नहीं होता है, 2 power 5 - 1 28 नहीं होता. फिर और क्या लिख सकते हैं, और ऑप्शन 2² 14 × 4, तो ये भी 2 की कोई भी पावर -1 नहीं है. फिर 2 power 1, 2 power 2, 2³ × 7, ये 2³ - 1 है. तो हिट एंड ट्रायल मेथड, बाहर 2 होता 2 × 28 को नहीं लिख सकते. अब कंपेयर कर लेंगे बस बेटा, तो n इक्वल टू क्या आ गया, कंपेयर 3, m - n किसके इक्वल है 3, तो m - 3 = 3, m = 6. और ये फिफ्थ, ये कैलकुलेशन सिक्स्थ कैलकुलेशंस, ये 7, ये 8. नंबर पूछे आप बेटे, कोई डाउट है तो नंबर पूछे आप. कोई कंफ्यूजन है तो आपको नंबर पूछना पड़ेगा. देखो, एक सेट में m थे, एक में n. पहले सेट के अंदर जो सबसेट हैं, पहले सेट के जो सबसेट्स बनेंगे जिसमें m एलिमेंट है, वो 56 मोर है देन द सेकंड. तो 2m इज 56 प्लस 2n, 2m माइनस 2n इज 56. 2n कॉमन ले लिया, अब 56 को 2 × 28 लिखा, तो 28 को 2 power 4 - 1, 2 power 5 - 1 नहीं कह सकते, तो इससे कंपेयर नहीं कर सकते अगर बार 2 है.
टू स्क्वायर इंटू फोर है तो इसको फोर इंटू फोर्टीन, तो इसको आप टू पावर एन माइनस वन नहीं कह सकते। टू क्यूब से कह सकते हैं, तो एट इंटू सेवन लिखेंगे तो ये फॉर्मेट बनेगा ये वाला, तो एट इंटू सेवन लिख दिया। कंपेयर किया एन आ गया और एम आ गया आंसर। डाउट से तो पूछे भाई जो लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट है तो आप पूछे। बोर्ड पे कोई डाउट है तो बेटे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करने हैं। मेनली हमने फोकस किया सेट्स के अंदर एनसीईआरटी पर। प्रीवियस ईयर आपको बताए गए पावरफुल असाइनमेंट्स के, काफी क्वेश्चन हमने कराए काफी ट्राई करने के लिए, और सॉल्व सॉल्यूशन भी आपको दिए गए। तो बहुत ज्यादा टाइम इस चैप्टर पे और नहीं लगाना चाहते, मेनली एनसीईआरटी प्लस फिर एक्स्ट्रा। कल जो आपका टेस्ट होगा देखो एनसीईआरटी वाले पोर्शन में किसी का कोई नंबर ना कटे, कुछ एक्स्ट्रा है तो उसमें जितने हो जाए, ये नहीं कि आप सोचे कि मेरे तो 53 में से 20 क्वेश्चन हो या 30 क्वेश्चन हो, जितने हो गए उनको मार्क कर लीजिए ताकि फाइनल एग्जाम में केवल वो क्वेश्चन तो आप रिवाइज कर पाए, ताकि आपका माइंड एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे। तो बेटा कल टेस्ट लेंगे और परसों जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्यूजडे से, वो किसी बच्चे का मिस नहीं होना चाहिए, लीनियर इनइक्वेशन, उसका पहले वाले चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। सभी स्कूल्स में पहले फर्स्ट एड चैप्टर ही कवर किए जाएंगे। कोई और बात आप कहना चाहते हैं तो बोले बेटा, नहीं तो आपको कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट। कोई चीज कहना चाहते हैं तो बोले आप। ठीक है बेटा, गुड नाइट।